بالکل پٹاپ پانی منگئی ہوں پندرہ ہزار فٹ اس کا میں علاقہ تھا آوار اچھی گرم جگہ پاتی ابھی ہم لوگ سمانا کے بالکل ٹاپ پر آ چکے ہیں اور یہ سمانا کا بالکل ٹاپ اور یہ سمانا پارک یہ میرا دوست حفیظ کا کزن اور وہ بھی بھتیجا اور یہ سمانا ٹاپ بالکل اور نیچے نظارے دیکھو نیچے یہ بالکل ٹاپ پر ہم لوگ ہیں اور ایسے ایسے علاقہ ہے نا زبردست پہاڑی کے اوپر بہت بڑا میدان آگے بھی آپ کو دکھائیں گے پارک بھی ہے سب کچھ دادا حفیظ جگہ کے بارے میں کچھ بتاؤ یہ سمانا کا بہت اونچا پہاڑ ہے اچھا یہ ہمارا دوست مختار خان شاید مختار سواد بنیر سے ادھر آیا اور یہ ابھی ہم لوگ ادھر ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا اور ادھر سمانا کا سب سے اونچا جگہ ہے اچھا سمانا کا سب سے اونچا اچھا ٹھنڈا صاف ستھرا ادھر برف بھی ہوتا ہے برف کتنا فٹ ہوتا ہے سات فٹ کم سے کم چھ فٹ ہوتے ہیں اچھا اور ادھر یہ آرمی کا کیا ہے آرمی کا قلعہ ہے آرمی کا قلعہ ہے اور ادھر ایک دوسرا سیول ہے وہ کیا کہتے ہیں مینومنٹ بھی ہے جو وہ سکھ لوگوں کا وہ ایک وہ کون سے تھے آرمی میں تھے سکھ تو وہ سردار کتنے سردار تھے وہ بہت زیادہ تھے چلو آپ کو ابھی دکھائیں گے آگے جا کے دکھائیں گے وہ سردار لوگ کا جو پاکستانی اور جو پہاڑ کے اوپر بہت بڑا میدان اور وہ کیا ہے وہ سامنے والا ہوٹل ہے وہ ہمارے گھر میں کس چیز کا ٹریننگ اچھا آرمی ٹریننگ اسکول اور یہ پارک بھی آرمی والے نے بنایا آفتاب یہ سمانا کا اونچا پہاڑ ہے نا اس کا اور ملنجبا جو سوات میں ہے سیم ہائٹ پر ہوئیں گے تو کیسے آئی تھنک میرے خیال میں ہائٹ سیم ہوگا کیونکہ
यही भी बादल घूमते फिरते हैं, उधर भी बादल घूमते फिरते हैं। देखो आपको टच कर रहे हैं, ये अभी बादल हम लोग को टच करते हुए, ये कैमरे में पता नहीं सही आवाज़ दिखाई दे रहा है कि नहीं। समाना का टॉप ये रेस्ट हाउस, समाने के ऊपर टॉप के ऊपर रेस्ट हाउस, और इससे पीछे उधर पुराना, अभी तो नहीं है लेकिन आर्मी का कुछ ट्रेनिंग वगैरह क्या जगह भी था। इधर भी आप देख सकते हैं ये आर्मी का ये जो लगा हुआ है कुछ ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी अभी नहीं है, अभी ट्रेनिंग नहीं है। वैसे भी आर्मी बैठी हुई है लेकिन अभी ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं है। और ये पीछे देखो, ये भी आर्मी का, और ये मैदान वगैरह। और इधर से ये नीचे के नज़ारे, बिल्कुल हम लोग टॉप पर हैं। और ये देखो हफीज बैठा हुआ है, और ये जगह, और ये नहीं आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है, बस बैठा हुआ है और घूम रहा नहीं है। इधर बोलते हैं मेरे को शौक नहीं है, इसलिए तो इसका बॉडी इतना ज्यादा बड़ा हो गया। वो सामने क्या है, डैम है? हाँ वो डैम है, वो सामने आप लोग नरियाब डैम, वो सामने, ये पिक्चर में सही नहीं आ रहा है। उधर भी सामने एक डैम नजर आ रहा है, कौन सा, क्या नाम है उसका? नरियाब डैम। ये समाना के टॉप से व्यू, और ये एक दूसरा मैदान टॉप के ऊपर, एक दूसरा मैदान, और सामने और रेस्ट हाउसेस, जो रेस्ट प्लेसेस जो होते हैं। और ये देखो पुराने से है लेकिन पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाए, किस मकसद के लिए बनाए थे। और ये देखो टूरिस्ट समाना बहुत मशहूर है, यानी कि टूरिस्ट के लिए लोग को हाट और हंगो और बहुत दूर दूर से आते हैं इधर घूमने के लिए। क्यों, इधर हर वक्त बादल और हल्का हल्का सा बारिश, बहुत ठंडा इलाका, और बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है नीचे, और इधर तो बहुत ठंडा है। ये रोड्स ऊपर, ये समाना के टॉप के लिए जो रोड आया हुआ है, ऊपर तो अच्छा है लेकिन नीचे से जब आते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल रोड है, क्यों बहुत ऊंचाई पर है। उधर एक पार्क भी बनाया हुआ है, अभी तो आर्मी ने एक दूसरा प्रोजेक्ट निकाला हुआ है इसको तरक्की देने के लिए, टूरिज़म के लिहाज से, तो देखते आगे क्या करते हैं, लेकिन है तो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह। आप लोगों को थोड़ा ये क्लिप की तरफ लेकर चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ क्लिप से कौन से नज़ारे हैं। ये देखो नीचे, ये बिल्कुल क्लिप
और क्लिप से नीचे देखो वो सामने जो दिखाई दे रहा है इधर ये हांगू की हांगू से जो रोड आया हुआ है वही है और आगे का ये इलाके का पता नहीं ये कौन सा है मैदानी इलाका है वो सामने एक डैम भी दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरे में पता नहीं वाजे है क्या नहीं है ये सामने अलग हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है डैम बहुत खूबसूरत जगह زمان که جنای خمول دقا ولی تلی و کپنی ولی که نه یوسف راشا یوسف اوی افسر داده और ये समाना में सिविल हॉस्पिटल समाना और एग्जे एजेंसी समाना के बिल्कुल टॉप पर ये बिल्डिंग हॉस्पिटल ये अंदर की व्यू और ये लोकल ट्रांसपोर्ट और ये मकान ब्रिटिश के ज़माने के ब्रिटिश ज़माने का जो दौर था उस ज़माने का ये मकान है और ये वंस अगेन हॉस्पिटल समाना ऑन टॉप और ये सामने जो मीनार है समाना के टॉप पर वहाँ पर पहुँच कर मैं आपको इसका तारीख दिखाता हूँ कि इसका क्या तारीख है और ये क्यों है इस जगह पर यहाँ से हम लोग आए और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी मैं ऊपर चढ़ के ये बोट के ऊपर जो लिखा हूँ आपको बताता हूँ यहाँ से पहला ये व्यू देखो और बाद में मैं आपको ये दिखाता हूँ
चिनार चूत 36वीं 6 पलटन के 21 अफसरों और सिपाहियों के याद में अंग्रेज हुकूमत ने 1901 में तामीर कराया था कि इन बहादुरों की शुजाअत दुनिया पर हमेशा यादगार बनकर रहे। इन दिलेर 21 सिकुन सरहदी किला सारा गढ़ी के हिफाजत करते हुए 10,000 दुश्मनों का मुकाबला किया, यानी कि दुश्मन अंग्रेज थे। हाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। और इसी तरह मैदान जंगमीन अपनी बहादुरी और नमक हलाली और जान निसारी का सबूत देते हुए 12 सितंबर 1897 को यही सरागढ़ी किले में शहादत पाकर हमेशा की तरह सिखों की बहादुरी की मिसाल को दुनिया में कायम रखा, जिनके नाम मंदिर जैसे सेल है। ये सब उन सिखों के नाम है। ये सारे उन सिखों का नाम है जिन्होंने लड़ाई में शहादत सिखों का एक शहर है सूरा सो पछानिए जो लड़े दीन के हथ पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। सूरा सो पछानिए जो लड़े दीन के हथ पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। सिखों और ये आगे हिंदी में लिखा हुआ है, ये तो उर्दू में। ये उर्दू में यही बोर्ड है लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है। ये पहले ऑल इंडिया जो थी पाकिस्तान और इंडिया जो एक थी है ना, ये तब की बात है। ये हिंदी में लगाया हुआ है और उर्दू में और दूसरी साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ। और ये कौन सा जगह है? हॉस्पिटल है? स्कूल है, स्कूल। अच्छा ये स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल। अच्छा ये हाई स्कूल है समाना के टॉप पर। मोदी के स्कूल है देखा। सही सही। ये तख्ती तो अभी अभी इन लोगों ने लगाया हुआ है। तो अभी बोर्ड अभी लगाया। अच्छा और ये सिख लोगों का वो भी है मार्क जो इसका पलटन था। और ये इधर ये तख्ती जो है ना ये अंग्रेजों के टाइम का लगा हुआ है। ये ओरिजिनल है, ये जब अंग्रेजों ने बनाया है ना ये चीज, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, तभी से लगा हुआ है। ये तो अंग्रेजों के टाइम से लगा हुआ है। अंग्रेजों के टाइम और ये पूरा ये बनाया हुआ है। ये इंग्लिश में सारा हिस्ट्री लिखा हुआ है। ये दादा हो स्मृति का शीर ऐसा है कमाल से होती है। ऐसा ना ना अच्छा तेरा ना कुछ रख दे। अभी हम लोग वापस ही अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और उधर हम लोग चाय वगैरह पी के फिर हंगो की तरफ रवाना होंगे, बल्कि कुवाट की तरफ। Once again, hotel. Sir. Where? Chai, kidhar hai? Chai.